नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने मकानों में, अपने फ्लैट्स में, अपने घरों में, दुकान में अगर आसपास कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी दौलत हो, लेकिन आपके पास कुछ चीज़ें जो रोड़ा अटका रही हैं उन्हें भी दूर करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो वो क्या है तो मैं बताने जा रही हूँ। हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है। गरीबी किसी को पसंद नहीं आती है, दरिद्रता किसी को पसंद नहीं आती है। तो लेकिन कई बार जी तोड़ मेहनत करने पर भी पैसे नहीं हो पाते हैं। फिर पैसों की अच्छी आवक होने पर भी पैसा टिक नहीं पाता है। महंगाई इतनी है कि समझ में नहीं आता है कि क्या खरीदें और क्या बच्चों को खिलाएं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप ये उपाय करते हैं मित्रों, तो शायद कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा बढ़ोतरी मिले अपने जीवन में। तो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जो खास बातें हैं वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मित्रों क्या करें, घरों में, मकानों में, दुकान में, फ्लैट्स में आसपास कबूतर का अगर घोंसला है, वो आपके जीवन में अस्थिरता पैदा करता है और गरीबी लाता है और कष्ट लाता है। साथ ही इससे आपके जो पैसों में जो बरकत आने वाली होती है वो रुकती है। तो उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि जो है, और जैसे आपके घर में अगर मकड़ी का जाला लग रहा हुआ है, मकड़ियाँ लगी हुई हैं, जाले लग रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि आपके पास पैसे भी आए, आपकी दुकान भी चले, आपके पास बिजनेस भी चले, मकान में भी आपको हर सुख सुविधा हो, आपके बच्चों के पास अच्छी चीज़ें हों, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बहुत बड़ी बात है। मकड़ी का जाला जो होता है मित्रों, दुर्भाग्य की निशानी है। इसे तुरंत हटा दें अपने घरों से, अपने मकानों से, अपने फ्लैट से। इसके लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, अपने बच्चों को तुरंत लगा दें कि जल्दी से जल्दी साफ सफाई करो, ये सब हटाओ। मधुमक्खी का छत्ता वैसे भी खतरनाक होता है, लेकिन इसका घर में, फ्लैट्स में, मकान में, दुकान के आसपास होना लगातार आपके जो पैसे हमें बरकत होनी चाहिए तो वो खर्च कराता है। जल्दी से इसको हटा दीजिए। सूखी पत्तियाँ घरों में, मकानों में, दुकानों में लगे पौधों पर अगर सूखी पत्तियाँ नजर आएँ तो तुरंत उसे हटा दें। पेड़ पौधों की सूखी पत्तियाँ भी आपके जो बरकत होने वाली होती है उस पर असर डालती है। इसलिए मित्रों इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चमगादड़ का दिखना बहुत ही अशुभ होता है मित्रों। अगर मकानों में, घर में, फ्लैट्स में, दुकान के आसपास इसका डेरा हो तो यह दुर्भाग्य, गरीबी और बीमारी का कारण होता है। इसे तुरंत इसको हटा दीजिए मित्रों। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, मकान में बरकत हो, फ्लैट्स में बरकत हो, तो ये सब चीज़ें हटानी ज़रूरी है। अगर घर, दुकान, फ्लैट्स, मकान में की दीवारों पर निशान पड़ गए हैं या पपड़ी उतरने लगी है, पपड़ी किस लिए उतरती है कि उसमें सनलाइट नहीं आ रही है, तो सनलाइट के कारण ये सब होता है कि पपड़ी उतरती है, तो आप क्या करें, आप मकान भी अगर लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वहाँ पर सनलाइट जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो फिर पपड़ी जमा देगी। तो ये आपके दुकानों में, मकानों में, फ्लैट्स में गरीबी और दुर्भाग्य लाती है, इसलिए इसको जल्दी ठीक करवा लीजिए। तो धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।